जो पूरे हिंदुस्तान की सारी पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर बता रही थी और अपने आप को सेकुलर वोट लेना चाहती थी, उन लोगों के मुंह पर जो डरे हुए बैठे हुए हैं विपक्ष बन करके अपने आप को विपक्ष बताती थी, वो कल जो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने अकेले जा करके अपनी दम पे अपने कार्यकर्ताओं को साथ जा करके गवर्नर हाउस का घेराव किया और उनके पास जा करके गवर्नर साहब क्या अपना ज्ञापन दिया, जिससे ये प्रतीत एकदम स्पष्ट रूप से अब होने लगा है कि माननीय शिवपाल सिंह यादव ही एक हिंदुस्तान के अंदर एक सेकुलर नेता के रूप में है। मीटिंग में क्या चर्चा हो रही है? मीटिंग में चर्चा उसी को लेकर के हो रही है कि 9 तारीख को जो रैली है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है और समाजवादी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को लेकर के किस तरीके से कार्यों को करना है। किन लोगों की बैठक बुलाई गई है? देखिए, इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष जरार हुसैन हैं और फरहत मियाँ की अगुवाई में और हमारे आदित्य भैया भी वहाँ मौजूद हैं उनकी अगुवाई में, ये सबको सूचना दी जा रही है कि किस तरीके से पार्टी को काम करना है और किन अफवाहों में लोगों को ना फंसे। कभी बी टीम कोई कहेगा, कोई सी टीम कहेगा, इन सब चीज़ों को लेकर के किसी भी तरीके का कोई भी दिमाग में कंफ्यूजन ना रखा जाए।